फुल टू तैयारी में वो पूरा एकदम प्रैंक का तैयारी करके रखी हुई थी, पूरा उसने वीडियो वीडियो सब बना लिया था। तो ये जाओ और आप लोग ये वीडियो देखो पहले ये वाला, उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट कुछ बताता हूँ। आज भी एग्जाम था केमिस्ट्री का, ये देखो भर भर के पेपर दिया गया है, मस्त फाड़ू एग्जाम गया है आज का भी। और बोर्ड एग्जाम्स तो कैंसिल हो गया, तो मे बी ये जो पेपर दे रहा हूँ मैं इसी का नंबर जुड़ेगा, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और पता नहीं एग्जाम का आज पेपर कहाँ से आया था, लेकिन ईजी था जैसा भी हो। और देख लो भाई साहब बहुत सारा पेपर लगे, 1, 2, 3 अंदर देखो, प्रिटी गुड। अभी 12:10 हो रहा है, आप लोगों से मिलते हैं कुछ देर में, आप लोगों को वेलकम करते हैं। सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। और अभी अपनी निकल चुकी है सवारी साइकिल से, कहाँ निकली है आप लोगों को आगे पता चलेगा, और कुछ काम था तो सिलसिले में मैं जा रहा हूँ बारीडी, कुछ दवाइयाँ लेनी थी तो उसी के सिलसिले में जा रहा हूँ बाहर, पूरा एकदम मास्क पहन के निकला हूँ, स्टे सेफ। तो भाई बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया भाई, कैसा फीलिंग आ रहा है आप लोगों को? जितने भी देख रहे हो भाई 12th के मेरे दोस्त, कैसा लग रहा है भाई? और मिलो शाम में कभी भी, पार्टी उटी किया जाएगा और क्या। तो अभी चलते हैं, अभी तो साइकिल में हवा भी डलवाना है, तो मिलते हैं आप लोगों को कुछ देर में। राइडिंग साइकिल इज वेरी डिफिकल्ट आफ्टर वेयरिंग दिस मास्क, सो आई एम पुटिंग इट आउट। माय गुडनेस, मतलब इसको चलाने के बाद लगता है ना पूरा सांस फूल ले, मतलब चलाने में काफी मजा आ रहा है साइकिल, एंड आई एम एंजॉयिंग इट। तो भाई साइकिल चलाने के बाद बॉडी हो जाती है अपनी फुल्ली पंप्ड, और जितने भी सारे काम थे सब हो चुके हैं, तो अब चलते हैं घर के ओर। और मास्क पहनकर चलाना तो साइकिल मतलब कि बहुत ही कठिन काम है, लेकिन वायरस का अभी भी प्रकोप गया नहीं है, तो मास्क को आप लोग रखो पास में, समझे। अभी जा रहा हूँ, काम वगैरह हो चुका है, अब घर के ओर निकलता हूँ फटाफट से। तक अपनी साइकिल की सवारी देख लो, मस्त चल रही है और आई एम एंजॉयिंग इट। बॉडी जो है ना एकदम फुल्ली पंप्ड हो जाती है, दोनों हाथ छोड़कर भी चला लेते हैं साइकिल, लेकिन बहुत रिस्की, आप लोग मत करना, डोंट ट्राई दिस। साइकिल में हवा भी डलवाना था, और साइकिल में हवा डलवाने के बाद मतलब साइकिल चलने लगती है एंड गर्ल वाली। तो चलते हैं अब डायरेक्ट घर में, आप लोगों से मिलते हैं, तो वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा 3 बजे शेड्यूल। सो मैंने फर्स्ट क्लास नहा धोकर सो के उठ भी चुका हूँ, एकदम फ्रेश हूँ अभी, और निकलना है मुझे भी नानी घर, क्योंकि बहन मुझे बहुत दिनों से याद कर रही है और कह रही कि कल हम लोग को कहीं जाना है घूमने के लिए। तो पता नहीं, मुझे तो मन नहीं था जाने का, तब भी जाना पड़ेगा क्योंकि कॉल आया है बहन का, तो जाना ही होगा। सो देखो कहाँ जाते हैं, कल के ब्लॉग में आप लोग को दिख जाएगा। सो लेट्स गो टू नानी हाउस। सो हाई एवरीबडी, दिस इज़ द फर्स्ट प्रैंक वीडियो इन दिस चैनल जो कि मेरे भाई के साथ होने वाला है, क्योंकि वो बहुत दिन से मेरे घर नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे ये प्रैंक करना पड़ा। और ये प्रैंक ये है कि मैंने उससे बोला है कि हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, ये केवल एक प्रैंक है, एक मजाक है जो कि उसके साथ होने वाला है। तो उसका रिएक्शन देखने के लिए ब्लॉग में बनी रही है, और इसका रिएक्शन ज़रूर मैं आपको दिखाऊँगी। कैसा लगा मेरा मजाक? सो भाई इतना भद्दा मजाक ना मेरे साथ आज तक कोई नहीं किया, और इतना बड़ा प्रैंक का बदला तो कुछ बनता है बॉस, क्या किया जाएगा वो तो आगे सोचेंगे, बट ये वाला प्रैंक को पहले सह लेते हैं, उसके बाद कुछ दिन आप लोगों को मिलेंगे एक बड़े से प्रैंक में, जिसमें तन्नू को मैं एक ऐसा प्रैंक करूंगा ना कि उसको आइडिया भी नहीं लगेगा कि फट से हो गया कैसे। लेट्स सी, मेरे साथ तो बहुत भद्दा मजाक हो चुका है, अब आप लोग डायरेक्ट सुबह मिलेंगे यार, क्योंकि अभी बहुत कस के नींद आ रहा है, ब्लॉग का एंडिंग नहीं करना है, एडिटिंग भी सुबह ही करेंगे एग्जाम के बाद। तो मिलते हैं आप लोगों को जल्दी से, यानी कि सुबह।
मैंने तो ऐसा बहुत ही कम सुना है कि छोटी बहन ने कि अपने बड़े भाई के ऊपर किया प्रैंक। सो फनी ना। सो कल तो बोल दिया था मैं वीडियो में कि जाना है कल एक जगह घूमने, तो वो तो हो चुका एकदम से फ्लॉप, एकदम घटिया भद्दा मजाक था मेरे साथ, प्रैंक हो गया। क्या ही कर सकते हैं, वहां भी नहीं गए और उसके बाद मस्त फटाफट से एग्जाम देकर अपना घर भी आ चुके हैं। अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 12 o'clock हो चुका है, तो एग्जाम तो दे चुका हूँ और घटिया प्रैंक हो गया मेरे साथ, तो अभी घर वापस आ चुका हूँ। मुझे वैसे भी कुछ काम था, वैसे घूमने जाना था, तो मैं उस प्लान को कैंसिल कर दिया। कुछ मेरे को भी काम था, कुछ पर्सनली था, वो नहीं बता सकता, तो मेरा भी काम नहीं हो पाया ना मैं घूमने जा पाया, नसीब ही खराब था। कोई बात नहीं, मिलते हैं आप लोगों नेक्स्ट ब्लॉग में। होप करता हूँ ये प्रैंक जो हुआ मेरे साथ आप लोगों को बहुत ही मजा आया होगा प्रैंक को देख कर। तो मिलते हैं आप लोगों नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। इसका एम रखता हूँ टारगेट 50 likes का, इतना तो आप लोग कर ही दोगे। तो फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन एडियोस अमिगोस।